हूँ कि आने वाले सन 2020 में आपको ऐसी कौन सी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपके जीवन में जो परेशानियाँ हैं वो भी दूर हों और सफलता भी आसानी से आए। हाय एवरीवन, दिस इज जाया करमचंदानी एंड वेलकम टू माय चैनल इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ये लकी रिचुअल्स जो सिर्फ हर साल ये न्यू ईयर्स ईव यानी 31 दिसंबर को किए जाते हैं मिडनाइट पे और अर्ली मॉर्निंग द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। तो तैयार हैं आप? उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल और डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल नोटिफिकेशन एज वेल। आज का एपिसोड के ये रिचुअल्स मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को इससे बहुत हेल्प हुई है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जल्दी से पेन और पेपर लेकर आप रेडी हो जाएं क्योंकि कुछ रिचुअल्स हैं शायद आपने सुने हो, कुछ रिचुअल्स शायद आपने नहीं सुने हो, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलने वाला है। सबसे पहली चीज़, घर का वो सदस्य जो हेड ऑफ द फैमिली है 31 दिसंबर को रात में और 1 जनवरी सुबह लाइक रात के 12 बजे 31 दिसंबर को करीब 5 मिनट पहले घर से बाहर निकले और वो दरवाज़ा बंद करके बाहर खड़े रहे। निकलने से पहले मेक श्योर कि उनके हाथ में एक ही डिनोमिनेशंस के 12 सिक्के हों। मान लीजिए अगर 12 क्वार्टर्स हैं या 25 पैसे हैं या 50 पैसे के जो भी कॉइन्स हैं या 10 पैसे के जो भी कॉइन है, चाहे यूरो हैं या क्वार्टर्स हैं या पेनीज हैं, तो एक ही तरीके के 12 सिक्के उनके हाथ में होने चाहिए। तो घर का जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, मेन अर्निंग मेंबर है, और अगर दोनों हैं तो आप दोनों डिसाइड करें हु इज गोइंग टू डू इट, बट द आइडिया हियर इज कि 12 बजने से 5 मिनट करीब पहले वो घर से बाहर जाएं और अपने हाथ से वो बाहर का दरवाज़ा बंद कर दें और उनके हाथ में वो 12 लूज कॉइन्स होने चाहिए एक ही तरीके के। अब जैसे ही 12 बजता है वो दरवाज़ा खोल के घर के अंदर आएं और जैसे ही घुसते हैं तो इनफैक्ट वो कॉइन्स घर के अंदर घुसते ही अगर जो दूसरे घर के मेंबर्स हैं वहाँ पे उन्होंने एक कंटेनर या कहते हैं थाल होता है तो वो रखा, तो वो 12 कॉइन्स उसमें डाल दें और जब डालें तो इस इंटेंशन से डालें कि हमेशा उनके पास इतना रहता है, भरा पूरा रहता है कि अपनी ज़रूरतों के बाद भी देने के लिए ईश्वर ने दिया है। ये इरादा, ये इंटेंशन होना चाहिए। अब अंदर आए, जब आते समय उन्होंने लेफ्ट या राइट किसी भी पैर से अंदर आए, जब आएंगे तो ये थाल में उन्होंने 12 कॉइन्स उसमें डाल दिए और दरवाज़ा बंद कर दिया अंदर से। तुरंत अपने वॉलेट को निकालें जिसमें उन्होंने पहले ही 12 बड़े बड़े बिल्स, 100 रुपए के, 1000 रुपए के नोट या 2000 के जो भी हैं नोट्स या $100 बिल्स, बिग डिनोमिनेशंस, वो अपने वॉलेट में उन्होंने रखे हों और उन्होंने वॉलेट खोला और उसको देखें। तो ये क्या करता है कि 1 जनवरी का ये पहला पल है तो उन्होंने अपने जेब से वॉलेट निकाला है और पहली चीज़ क्या देखी, माइंड ये एनर्जी मान लेता है कि ये साल तो बड़ा शुभ है, मेरा वॉलेट तो पैसों से भरा हुआ है एंड बिग बिल्स। ईश्वर को, यूनिवर्स को आप ग्रैटिट्यूड करें कि थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इस पल के लिए, इस मौके के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब ये दो चीज़ें करेगा, ये जो भी रिचुअल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ है तो इंटेंशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जीज का ही कमाल है, आप जैसा सोचते हैं जीवन में उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 12 बजे करीब 5 मिनट पहले घर के सदस्य बाहर जाएंगे और जैसा मैंने आपका कहा कॉइन्स होने चाहिए, घर के अंदर एक मेंबर हो जिन्होंने थाल रखा हो, कॉइन्स रखें। अब ये कॉइन्स वहाँ पे आप 1 जनवरी को सुबह में एक कोने में रख लें और 48 घंटे आपके घर में ही रहें। जब आपने अपना वॉलेट देखा उसके बाद आप सो जाएं। अभी और भी रिचुअल शेयर कर रही हूँ पर इस रिचुअल से जुड़ी ये बात है कि 48 घंटे 48 आवर्स वो कॉइन्स आपके उसी थाल में रहें, उसके बाद आप ले जाके कहीं भी मंदिर में या मस्जिद में किसी को डोनेट करना हो, चैरिटी में देना हो, ये कॉइन्स दे दें, लेकिन अपने ऊपर या परिवार में किसी को ना दें और अपने ऊपर खर्च भी ना करें।
ये है पहला रिजु। आप जल्दी से, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आज के रिचुअल्स बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। दूसरा रिचुअल, आप 31 दिसंबर को जब घर से बाहर निकले तो कोशिश करें कि ऑरेंजेस, संतरे, बड़े नहीं छोटे वाले ले आएं, इतने कि आपका एक फ्रूट बोल, 1 किलो या 2 किलो, 1 or 2 pounds जो भी हो, तो आपका एक पूरा बोल फ्रूट का भरना चाहिए सिर्फ उन संतरों से। और अगर आपको कहीं संतरे मिल जाएं जिनमें वो स्टेम हो और लीव्स भी हो, पत्तियां भी हो, तो और ही बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब आपने जो ये संतरे लेकर के आए, आप 31 दिसंबर को सूरज ढलने के बाद आप एक अपने फ्रूट बोल में, जिसमें आप फल रखते हैं, उसमें ये डाल के एकदम भर लें। भरें ऐसे कि सिर्फ तह तक नहीं भरा हो, ऊपर एकदम पहाड़ के जैसे कि एकदम बना हो, बन जाए, तो वो रख दें आप। और ये आपने बना के रखा, आप अपने रसोई में या डाइनिंग टेबल के सेंटर में अगर चम्मच रखते हैं, नाइफ्स रखते हैं, अचार या पापड़ या खाने का डिब्बा या जो भी, डाइनिंग टेबल बिल्कुल साफ होनी चाहिए। वहाँ पे सिर्फ आप ये फ्रूट बोल जिसमें सिर्फ आपने संतरे रखे हैं लबालब भरे हुए, वो रखा रहना चाहिए। सुबह में जब आप उठेंगे तो आपकी नज़र भी पड़ी कि आपने क्या देखा कि आपका जो ये डाइनिंग टेबल है वो संतरों से भरा पड़ा है, सिर्फ लेयर तक नहीं ऊपर तक। बहुत सारे कल्चर्स में ये माना जाता है कि बहुत शुभ होता है, और कैसे होता है वो मैं लॉजिक आज इन रिचुअल्स का नहीं बता पाऊंगी आपको, बट इट वर्क्स। तो अब आपने क्या करा, सुबह में सब जब उठे, बहुत हेल्दी है आप सब, एक एक संतरा या दो दो संतरे खाएं सुबह उठे आप नाश्ता करने से पहले एंड स्टाफ, ये आप संतरा एक एक दो सब खाएंगे, ये बहुत लकी माना जाता है और बहुत प्रॉब्लम्स को भी एलिवेट करेगा, रिमूव करेगा। तो ये था दूसरा रिचुअल। ध्यान रखिएगा कि संतरे टूटे ना हो, होल्स ना हो, क्लीन हो, साफ सुथरे हो रखें, और वो आप सब खाएं। ये फर्स्ट फ्रूट, सुबह का पहला फल 1 जनवरी को आपको ये खाना है। अब तीसरा रिचुअल, अब अगर कहीं आपको एलर्जी हो तो फिर नहीं करेंगे, पर अगर पसंद नहीं भी हो तो आप उसे टेस्टी बना सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ब्लैक आईड पीस, लोबिया, आप 31 दिसंबर को रात में सोक कर दें, और 1 जनवरी को आपका पहला मील, आप जो भी भोजन करेंगे 1 जनवरी को, लंच है और कहूँ तो एक्चुअली ब्रेकफास्ट थोड़ा देर से खाएं, लेकिन आपके पहले मील में आपको ये लोबिया ज़रूर खाना है, ब्लैक आईड पीस, चाहे आप उसकी दाल की तरह बना लें, चाहे आप उसको सूप में बना लें, चाहे सॉटे करके, कैसे भी खाएं, घर के हर मेंबर को खिलाएं, ये बहुत लकी माना जाता है। और ये आपको 1 जनवरी का पहला मील, ध्यान दें मैंने आपसे पहले संतरा खाने को कहा, मैंडरिन ऑरेंजेस, वो वेल्थ और अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, धन धन के लिए और सौभाग्य के लिए अच्छा होता है। ब्लैक आइड पीस माना जाता है कि जैसे परिवार में पहले वक्त में होता था कि जिस परिवार में ये चावल से भरा पूरा है, खाने की कमी नहीं होती, एक मान्यता थी। ब्लैक आइड पीस, ये लोबिया का कुछ ऐसा रिचुअल है कि हमेशा भरा पूरा रहेगा परिवार। तो आप पहला भोजन जो भी करेंगे उसमें आपको ये लोबिया ज़रूर खाना है, तो आप बनाएं भी और ये घर के हर सदस्य को सर्व भी करें। अब दूसरी चीज़, 31 दिसंबर को सूरज ढलने के बाद आप घर की लाइट्स ऑन कर दें। अब इस दिन हो सकता है थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आए, पर आप हर जगह की लाइट्स ऑन करेंगे, चाहे वो आपका बाथरूम हो, हर लाइट मत ऑन करिएगा, पर घर के आपके हर कोने की लाइट्स ऑन होनी चाहिए, घर के बाहर की तो बिल्कुल 100%। और ये लाइट्स तब तक ऑन रहेंगी, 12 बजने के 5-10 मिनट बाद बंद कर सकते हैं, अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे आप कहीं और पार्टी पे भी जा रहे हैं न्यू ईयर्स के, फिर भी आपके घर में लाइट्स ऑन होंगी, घर के हर एक कोने में। ये बहुत बड़ा रिचुअल है, जैसे दिवाली के लिए किया जाता है कि घर को बिल्कुल अच्छा बना के रखें, साफ सुथरा हो, 31 दिसंबर को ये लाइट्स का बहुत बड़ा रिचुअल है। दूसरी चीज़, अगर 2019 में आपको परेशानी हुई कि आपने कोशिश करी, चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या रिलेशनशिप, या सही पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, या पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम है, तो अब आप क्या करें, 31 दिसंबर को अगर आप अपने लिए सही पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या यू आर इन अ डेटिंग और यू आर इन अ रिलेशनशिप, कंपैटिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ लाल सनसेट के बाद ज़रूर पहने, और आप हल्का वही रंग लाल हल्का, आप थोड़ा सा आप 1 जनवरी को भी पहनेंगे। अब आप पूरा का पूरा रेड मत पहन लीजिएगा,
और अगर आपको बच्चे से जुड़ी समस्याएं हैं जीवन में, यू आर चाइल्डलेस कपल, यू हैव ट्राइड काफ़ी रेमेडीज भी, फल नहीं मिल रहा, तो आप सनसेट के बाद 31 दिसंबर को हल्का पीला ज़रूर पहनेंगे और वही आप 1 जनवरी को भी आपके स्किन पर होना चाहिए। और अगर पैसे से जुड़ी समस्याएं रही, जॉब में स्थिरता नहीं रही, तो लाइट ग्रीन आपके स्किन पर होगा 31 जनवरी सनसेट के बाद और 1 जनवरी को भी। पूरा का पूरा लाल पीला और हरा मत पहने, पर ये आपके स्किन पर ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, उस क्षेत्र में आपको ग्रो करना है, या आप ब्लॉक्स हैं, या आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किसी न किसी किस्म से सफ़ेद वाइट कलर आप पर सनसेट के बाद 31 दिसंबर को होना चाहिए, आप पहने और 1 जनवरी को भी। तो अभी तक मैंने आपके साथ शेयर करा है कि घर के सदस्य को कौन सा रिचुअल करना चाहिए, मैंडरिन ऑरेंज ये संतरे का क्या रिचुअल है, ब्लैक आइड पीस लोबिया का क्या रिचुअल है, और अलग अलग रंग आपको पहनने हैं वो आपके जीवन से जुड़ी अलग अलग समस्याओं में कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, और सांझ होने के बाद आपको 31 दिसंबर को लाइट्स भी ऑन करनी है। और हाँ, ये एपिसोड थोड़ा और लंबा होने वाला है क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके साथ कुछ और मुझे रिचुअल शेयर करने हैं। अब दूसरी चीज़, एक किसी भी रिचुअल को आप चाहते हैं कि आपको फलित हो, तो आपको अपना इंटेंशन, इरादा रखना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैजिक नहीं है, ये एनर्जीज का ही गेम है, वाइब्रेशंस का ही है। तो थोड़ा इंटेंशंस तो आपको अपनी रखनी पड़ेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, ये आप टाइमर लेके बैठे हैं, किसी की पार्टी में भी हैं, और ये कहूंगी कि इट वर्क्स। तो रात के 12 बजे, 31 दिसंबर की रात को 12 बजे, अगर आपको पैसे, करियर, बिजनेस से जुड़ी कामयाबी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, इस साल प्रॉब्लम्स रहीं, आप चाहते हैं 2020 में ना हो, तो आप 12 टीस्पून्स और 12 टेबलस्पून्स ठीक 12 बजे 31 दिसंबर को आप खाएंगे ब्लैक लेंटल्स, वो माह की दाल होती है, अखे दाने, ब्लैक लेंटल्स, और अगर ये हैं तब आप खाएंगे, आप एक कटोरी में रख लें और उसमें से 12 चम्मच ठीक 12 बजे आप खा जाएं, सूप मान के खा लें या दाल समझ के, जैसे भी, पर 12 चम्मच ब्लैक लेंटल्स, काली दाल जो होती है, माह की दाल, अखे दाने उसकी। और अगर आपके जीवन में आपको स्टेबिलिटी या राइट पार्टनरशिप नहीं मिल रही है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो आप 12 चम्मच जो मसूर की दाल होती है वो पहले बना लें, और आप ठीक 12 बजे वो मसूर की दाल के 12 चम्मच टीस्पून या टेबल स्पून्स खाएंगे। और अगर आप कपल्स हैं, चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप ठीक 12 बजे 12 चम्मच पीली तूर की दाल, मूंग की दाल नहीं, तूर की दाल, पीली दाल आप बनाएं, और आप 12 चम्मच कपल्स एक दूसरे को खिलाएं, तो आप 12 चम्मच आपने अपने स्पाउस को खिलाया, उन्होंने आपको खिलाया, ये एग्जैक्टली 12 o'clock, आप टाइमर लगा दें, आप पार्टीज में कुछ भी एक कटोरी पहले रख लें और खाएं। और बहुत आपको अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन मैं भी जब ट्रैवल कर रही होती हूँ रात के 12 बजे, एंड इवन माय होल फैमिली नोज कि मॉम ने कहा है तो करना है, बट आप खुद देखेंगे ईयर आफ्टर ईयर कैसे आपके जीवन में वो ग्रोथ और सक्सेस बढ़ती जाएगी। तो 12 चम्मच ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज कर सकते हैं आप, मान लीजिए आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपके पास दाल नहीं है, और कहाँ से आए, किसी और के घर में है, आप मांग नहीं सकते, तो काली दाल है पैसों से संबंधित, धन, करियर, कामयाबी के लिए। अब आप कुछ दिमाग लगाएं, सोचें क्या करना है, लेकिन अगर आपको रिलेशनशिप के लिए लाल दाल नहीं मिल रही है, मसूर की दाल नहीं खा सकते, तो 12 ग्रेप्स, लाल वाले अंगूर, 12 अंगूर के दाने आप लाल वाले खा सकते हैं रिलेशनशिप के लिए। और अगर चाइल्डलेस कपल्स हैं, बच्चे से जुड़ी समस्या है, तो 12 पीले अंगूर आप एक दूसरे को खिलाएंगे, पूरे 12 के 12, ना 10 ना 11, कीप दैट इन माइंड। अब दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ये साल बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा, किसी ना किसी वजह से, या तो सेहत से जुड़ी समस्याएं रहीं, या बच्चे नहीं सुनते हैं, या हस्बैंड वाइफ या स्पाउस में ही वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, ऑफिस में भी परेशानी थी, जो भी परेशानी थी, तो आप 31 दिसंबर को सांझ होने के बाद जिसकी परेशानी थी, घर से जुड़ी है
तो घर का एक सदस्य, आप बाहर निकलें, आप झाड़ू लें और घर के बाहर, अपने घर के बाहर की ही सिर्फ आप झाड़ू लगाएंगे। और जब आप वो झाड़ू लगा रहे हो तो इस इरादे से कि मेरे घर से जुड़ी जो भी समस्याएं रही हैं मन में आपके, पता है आप, वो मैं आज यहाँ बिल्कुल सफाई करके हटा रही हूँ या हटा रहा हूँ, आने वाला वर्ष बिल्कुल अच्छा होगा, हर तरीके से कामयाबी और सफलता लेकर आएगा। तो जब आपने ये झाड़ू लगाया, जो कचरा इकट्ठा हुआ वो आप लेकर के अपने घर से बाहर, आसपास के किसी पड़ोसी के बाहर की झाड़ू ना लगाएं और उनकी तरफ ना छोड़ें, क्योंकि इससे आपका कर्मा ही बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। तो अपने घर के बाहर का ही हिस्सा आप झाड़ू लगाएं, और अगर किसी ने देख लिया तो और भी अच्छी बात है कि आपका जो ये इंटेंशन है, आप किसी को दिखा नहीं रहे, अपने में नम्रता रखें, जो भी परेशानी रही किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद तक रखें। तो आपने ये झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा किया घर के बाहर, सोसाइटी में रहते हैं घर के बाहर या पब्लिक एरिया जहाँ पे आमतौर पर लोग ट्रैश डालते हैं वहाँ पे डाल कर आएं। और जो ये झाड़ू रखी थी आप सीधी नहीं, फ्लैट ज़मीन पर रख के आप जाएं, वो कचरा डाल के आएं, फिर वो आप झाड़ू लेकर के अपने घर में घुसें। ये अपना इंटेंशन रखिएगा बिल्कुल क्लियर कि ये करने से आपके जीवन में इस साल जो भी परेशानी रही, जिस भी क्षेत्र से जुड़ी, वो आपने अपने जीवन से निकाल दी। आने वाला वर्ष नए मौके लेकर आएगा, नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। और अगर एक तो झाड़ू लगाए, अगर वो नहीं लगा सकते तो आप एक बकेट पानी लेकर के पानी अपने घर से बाहर उसको बहाएं। तो ये पानी बहाते समय जो आप गीली झाड़ू लेकर के लगा रहे हैं, उससे भी ये इंटेंशन करें कि आपने अपने जीवन से ही सारी समस्याएं साफ कर दी, हटा दी, निकाल के बाहर किसी पड़ोसी की तरफ न जाए, किसी और की तरफ न जाए। एक आप ये भी कर सकते हैं, और पानी घर से बाहर की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका अपना स्टैंड अलोन हाउस है और आप अपनी दहलीज के बाहर पानी डाल रहे हैं तो घर के बाहर की तरफ जाना चाहिए। नहीं तो अगर आप अपार्टमेंट में हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो आपने झाड़ू लगाई, ये कचरा लिया और मेन पब्लिक एरिया जहाँ पे सोसाइटी में भी हैं या और लोग डालते हैं वहाँ डाल के आए, पलट के पीछे ना देखें। ये आपको उपाय और रिचुअल्स बड़े अजीब से लग रहे होंगे, ये आपको पता होंगे, लेकिन मैं ये मानती हूँ ओवर द ईयर्स ये बहुत हेल्प करते हैं। तो अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू डू दैट एज वेल। दूसरी चीज़, अब आप क्या करें, नया साल नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आए आपके पास, लेकिन इस साल ने आपको कुछ परेशानी दी, तो आप सांझ होने के बाद अकेले में, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। और अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जीवन में जो आप भले ही सेलिब्रिटी हों, भले ही बाहरी दुनिया के नज़रों में आपके घर में सब अच्छा है और आप यू आर लाइक अ परफेक्ट पर्सन इन द लाइफ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति किसी से शेयर नहीं कर सकता, मन में अंदर ही अंदर तकलीफ देती है। तो अब आप क्या करें, सनसेट के बाद 31 दिसंबर को पीला कागज़ लें, आप उस पर काले रंग की किसी भी स्केच पेन से, शार्पी या पेन से लिखें हर वो परेशानी, हर वो बात जिसने आपको रुलाया है, आपको तकलीफ दी या प्रॉब्लम दी। और अगर बहुत ज़्यादा है, एक नहीं दो पेपर्स में आपको लिखना है, आप लिखें। और लिखते समय अगर आपको रोना भी आ रहा है तो लेट इट गो, ये थेरेपी का भी काम करेगा और आपके जीवन से परेशानियां भी हटाएगा। तो अब आपने लिखा, सनसेट होने के बाद आपको अपनी प्राइवेट स्पेस चाहिए, अकेला, थोड़ा अकेलापन जहां हो तो आराम से लिखें, हड़बड़ाहट में मत लिखिएगा। पीले कागज पर आप काले रंग की पेन या शार्पी से लिखें हर वो बात जिससे आप परेशान हैं या जो परेशान करी आपको 2019 में, या काफ़ी समय से वो परेशानी चल रही, जैसे सेहत से जुड़ी या रिलेशनशिप से या बच्चों से या पैसों से, ऑफिस से जुड़ी कोई भी बात, सब लिखें। बिल्कुल ऐसे लिखें कि दिल जैसे आपका खाली हो जाए। और आपने लिखा, अपना समय लीजिए और लिखिए। जब आपने लिख लिया, उसके बाद ऐसी जगह पे, अगर किचन में है, कहीं पे हैं जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, तो आप इसको लाइटर से या माचिस की तीली से जलाएं। एक स्टील का भगोना ले लें आप, जलाया आपने, कहीं आसपास आग ना लगे इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आपने उस कागज पर लिखा अपनी सारी बातें और जलाया। जब आप जला रहे तो ये मान लीजिए ये सारी की सारी परेशानियां आपके जीवन से दूर हो गई हैं और ये राख हो गई हैं। अब जो ये गिर रहा है पानी के पतीले में, ये राख गिरी, इसको बाद आपने इसी को अपने सिंक में, किचन के सिंक में बहा दिया। बिल्कुल अच्छे से साफ करके इस पतीले को भी निकाल दें और ये पूरा का पूरा बहा दें। ये क्या करता है, किसी नदी या तालाब को गंदा करने की बजाय क्या हुआ कि आपके जीवन में जो परेशानी थी आपने कह दी यूनिवर्स से, ईश्वर से कह दिया, और उसके बाद उसको जलाने का जो ये रिचुअल है, ये होता है कि वो परेशानी इसी पल आपके जीवन से चली गई, राख होके नष्ट हो गई।
एक तो आप यू विल फील लाइटर, और ये जो सिम्बॉलिकली एनर्जीज होती हैं 31 दिसंबर को सनसेट के बाद, सांझ होने के बाद, कुछ ऐसा मिरेकुलस है कि ये चीज़ें काम करती हैं। ध्यान दीजिएगा, संभाल के जब आप लिखें वो भगोना रख लें, जब जला रहे हैं आसपास की चीज़ों किसी को डैमेज ना हो, और फिर इसके आप बाद आप उसको बहा दें सिंक में और साफ करके पतीला आप रखें। इन सब रिचुअल्स में आपको थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी की सारी बात एनर्जी से जुड़ी है। ये कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जैसे सॉल्यूशंस भी हेल्प करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फेथ बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही इस केस में भी आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आप सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, बात होते होते रुक जाती है, या यू आर डेटिंग समवन, पार्टनरशिप में हैं और आप चाहते हैं कि बात आगे बढ़े, एंड इफ़ यू आर सीरियस, इसको मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा उस हालात में, या आप जानते हैं क्लैरिटी है कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप क्लैरिटी में ये मत कमेंट्स करिएगा कि आपको किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड के स्टार्स जैसा ही पार्टनर चाहिए। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, क्वालिटीज़ कि व्यक्ति दिल का अच्छा हो या स्टेबल हो या सेटल्ड हो, जो भी हैं कुछ क्वालिटीज़, कीप दैट इन माइंड। तो अब आप क्या करेंगे, न्यू ईयर्स ईव सनसेट के बाद एक लाल पेपर में आप लिखेंगे सिल्वर कलर या सफ़ेद रंग के स्केच पेन या शार्पी से कि आपको अपने जीवन में आपका लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए। सारे के सारे वो आप गुण लिख लें, और वो आपने जब लिख लिया किसी और से शेयर करने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ पे सोते हैं 31 दिसंबर की रात अपने तकिए के नीचे उस पेपर को आप 4 बार फोल्ड करें और तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगली सुबह 1 जनवरी को जब आप सुबह उठें, बिस्तर से उठने से पहले आप उस पेपर को पढ़ें और ये मान के चलें कि आपको ईश्वर ने ऐसा लाइफ पार्टनर दे दिया है। आप ईश्वर को शुक्राना करें, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हैविंग अ पार्टनर इन माय लाइफ हु इज ईश्वर। यूनिवर्स आपका शुक्रिया कि मेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति है या मेरा पार्टनर, उसमें ये सारी खूबियां हैं, ये मान के चलें कि आपको मिल गया है। शुक्रिया करें ईश्वर का। और ये पेपर जो आपने लिया है, अब आप उठें अपने बिस्तर से, अपनी अलमारी में कहीं ऐसी जगह छुपा दें जो 2020 में सारे साल रहेगा। फिर आ जाएगा 31 दिसंबर 2020, फिर मैं आपके साथ दूसरा रिचुअल शेयर करने वाली हूँ इसका क्या करें, पर इसके लिए किसी और के साथ शेयर न करें इस पेपर के बारे में, और आप देखें मिरेकल क्या होने वाला है। अब नाउ द बिग वन, नए साल के शुरू के 7 दिन तय करेंगे कि आपका आने वाला सारा वर्ष कैसा होगा। शुरू के इनफैक्ट 7 से 12 दिन, तो कोशिश करिएगा शुरू के 7 से 12 दिन नए साल के आप ऐसा कोई काम ना करें जो आपको दुख पहुंचाता हो, और या हर वो काम करें जो आप चाहते हैं जीवन में हो जाए। 1 जनवरी को एक पेपर में लिखें कि इस साल ऐसा आप क्या चाहते हैं, ये मान के लिखें, शुक्रिया अदा करें कि हो गया, आपको बिजनेस शुरू करना था वो बिजनेस चल गया, लिख लिया। 2 जनवरी को लिखें आपको क्या चाहिए था, ऐसी आपकी 12 विशेस जो भी हों साल के 12 दिन शुरुआत में, 7 से 12 दिन में रोज एक लिखें, ये मान के कि आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है, और वो नोटबुक उसके बाद आप शुक्रिया अदा करें ईश्वर का, और वो नोटबुक आप छुपा दें। साल के शुरू के 12 दिन तय करेंगे आपके आने वाला साल कैसा हो। तो जितनी भी परेशानियां हो, अगर हेल्थ है बहुत तकलीफ में है, तो लिखें पहले दिन ही कि आप बहुत शुक्रिया अदा करें ऊपर वाले का कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई है। अगर आप दौड़ भाग नहीं सकते थे तो अब आप एकदम चलने लगे हैं, दौड़ने लगे हैं, तो ये आपकी एनर्जीज और वाइब्रेशंस अचानक से बदलने लगेंगी। ये थे कुछ अमेजिंग रिचुअल्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। चाहूंगी कि आप अपने कमेंट्स में लिखें मुझे कि आपका फेवरेट रिचुअल कौन सा था आज के इस एपिसोड में से। और आप सबको मैं विश करने वाली हूँ नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन उससे पहले आप सबके साथ एक रिक्वेस्ट है, इनफैक्ट शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका, इस साल आप मेरे साथ जुड़े रहे आपके कमेंट्स के लिए, आपके सुझाव के लिए। लेकिन ये रिचुअल्स मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं पर्सनली भी, मैंने बहुत क्लाइंट्स की लाइफ में उसमें बदलाव देखा है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर था उनकी इंटेंशन। आप भी अपनी वो इंटेंशन के साथ करें। अब सारे के सारे रिचुअल्स करने हैं मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन आपको जीवन में क्या परेशानी है वो भी उसको ध्यान दें। और एक चीज़, कहीं अगर आप नसीब में मानते ही नहीं हैं, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी किसी को नहीं मानते, कोई बात नहीं,
पर ये ज़रूर चाहते हैं आप कि जीवन में आपके ग्रोथ आए, कामयाबी आए, तो एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं कि सिल्क का पाउच, ज्वेलरी लेने जाते हैं आपको तो हरे लाल पीले रंग के छोटे छोटे से पैकेट्स मिलते हैं, तो अगर पैसे से जुड़ी आप चाहते हैं कि आपको 2020 में ग्रोथ हो, तो एक ऐसा ही आप लाल रंग का छोटा सा सिल्क पाउच या क्लियर पाउच ले लें, उसमें आप 12 दाने माहे की दाल के डालें और इस इंटेंशन के साथ कि ये आपके जीवन में इस साल बहुत कामयाबी देगा, अपने वॉलेट में डाल लें। और अगर रिश्तों से जुड़ी परेशानी है तो 12 मसूर की दाल के कच्चे दाने, अनकुक दाने, अपने वॉलेट में 1 जनवरी को डाल दें आप। लाल रंग का पाउच है रिश्तों के लिए, ब्लैक भी आप डाल सकते हैं लाल रंग के पाउच में, पीला पाउच लें उसमें आप पीले मूंग की दाल के दाने, अरहर की दाल के नहीं, मूंग की दाल के 12 दाने डालें, ये सोच के कि आपके जीवन में जो आपको फैमिली ग्रो करनी है उसमें परेशानी आ रही है, इस साल वो दूर हो गई है। ये छोटे छोटे से पाउच आपको मिल जाएंगे, क्लियर पाउचेस भी होते हैं, लेकिन पीला चाहिए आपको अगर आप परिवार बढ़ाना चाहते हैं, और लाल अगर आप रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रो चाहते हैं, और लाल आप फिर भी यूज़ करते हैं, काली माय के अखे दाने डालें अगर आपको ग्रोथ चाहिए जॉब से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड, आप अपने वॉलेट में डाल दें 1 जनवरी को। ये छोटे छोटे रिचुअल्स हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर एज वेल। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी 2020। टेक केयर।